नमस्कार, मैं रुपेश कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में कैबिनेट के द्वारा युवाओं के लिए लिया गया एक बड़े फैसले के बारे में बात करेंगे। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, इसके बारे में आपने इस बार बजट के दौरान आपने सुना होगा इसका नाम, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जिसको कि हम लोग NRA, इसके बारे में आपने सुना होगा। और आपने यह भी सुना होगा कि एक ऐसा एजेंसी होगा जो कि सारे गवर्नमेंट एग्जाम को एक बार कंडक्ट कराएगा, और उसी के बारे में कैबिनेट ने अब अपना फैसला ले लिया है, जहां पे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और इसके द्वारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा उन सभी एग्जामों के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, एंड आफ्टर वॉचिंग द फुल वीडियो यू विल नो एवरीथिंग अबाउट CET। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप समझ पाएंगे CET क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्यों बनाया गया है, क्या कहाँ पे क्या दिक्कतें आ रही थी जो कि इसको फॉर्म किया गया है। और कई लोग नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी NRA और CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में कंफ्यूज होते हैं कि यह दोनों अलग अलग चीजें, तो इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। क्योंकि NRA द्वारा ही एक टेस्ट लिया जाएगा, उसी को कहा गया है CET, सभी के लिए एक टेस्ट लिया जाएगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। तो इसके बारे में चलिए नेक्स्ट स्लाइड में और डिटेल से समझते हैं। उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स में, सो दैट हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे अधिक से अधिक वीडियो आप लोगों के लिए लाने। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर साइट के बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो कि CET कंडक्ट करवाएगी, उसके करवाने के पीछे क्या प्रॉब्लम था जिसको सॉर्ट आउट करने के लिए यह सारा चीज किया जा रहा, उसको समझते हैं। तो द प्रॉब्लम फॉर द कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा था जो कि इसके द्वारा CET द्वारा सॉर्ट आउट होगा, इसको समझते हैं प्रॉब्लम को पहले। डिफरेंट शेड्यूल ऑफ रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, आपने देखा होगा अभी तक अलग अलग एजेंसी द्वारा अलग अलग शेड्यूल जारी किया जाता था एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम में डिफरेंट एप्लीकेशन फॉर्म, हर एक एग्जाम के लिए अलग अलग प्रीलिम से ले के हर एग्जाम का अलग अलग फॉर्म हमें फिल करना पड़ता था। मेल प्रैक्टिसेस एट पार्टिकुलर लोकेशन, कई जगह आपने सेंटर पे सुना होगा कि क्वेश्चन लीक का मामला आ गया, या और कई सारे मेल प्रैक्टिसेस की घटना के बारे में आपने सुना होगा। डिफिकल्टी ऑफ एक्सेस फॉर स्टूडेंट्स, मल्टीपल फीस, क्लैश ऑफ एग्जामिनेशन डेट्स, आपने देखा होगा कि कई सारे एग्जाम का डेट एक ही दिन पड़ गया, इससे क्या होता है कई सारे कैंडिडेट्स कुछ एग्जाम को स्किप उन्हें करना पड़ता है, सो दैट कोई एक एग्जाम वह दे पाए। कई सारे एग्जाम को फिल करने के लिए उसे कई बार फी चुकाना पड़ता है, क्योंकि सभी का अगर प्रीलिम्स एग्जाम में ही देखे तो कई बार अलग अलग एजेंसी के लिए अलग अलग प्रीलिम्स एग्जाम में अलग अलग फॉर्म भरते इसमें फी देना पड़ता है। ट्रांसपोर्टिंग एंड लॉजिंग चैलेंजेज, जब एग्जाम सेंटर दिया जाता है तो यह इतना दूर दे दिया जाता है कि ट्रांसपोर्टिंग में भी काफ़ी प्रॉब्लम आता है, फिर वहाँ जाके ठहरने रहने में भी काफ़ी प्रॉब्लम आता है कैंडिडेट्स को। डिफरेंट करिकुलम, चूँकि प्रीलिम्स एग्जाम अगर आप देखें तो 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल पे लिया जा रहा है हर एक एजेंसी के द्वारा, लेकिन हर एक के लिए अलग अलग करिकुलम है। लॉन्ग एग्जाम साइकिल, एक एग्जाम को लेने में कई वर्ष लग जाते हैं फिर भी उसका रिजल्ट नहीं आ पाता है। डिले इन फाइनलाइजेशन ऑफ रिजल्ट, कई बार तो एग्जाम कंडक्ट हो गया लेकिन फाइनल रिजल्ट नहीं आया है 2-3 साल से। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो कि कैंडिडेट्स को फेस करना पड़ता है, तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए NRA का गठन किया गया है, जो कि इन सभी चीजों को दूर करेगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर, इस टेस्ट को कंडक्ट करवाएगी NRA। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट को भी प्रॉब्लम आता था जो अभी चल रहा है, जिस तरीके का सिस्टम
इसमें द प्रॉब्लम फॉर इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन को भी काफी सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। जैसे कि अगर देखिए अलग अलग एजेंसी, अभी जिन एजेंसी को एनआरए में शामिल किया जा रहा है, तीन एजेंसी है, एसएससी, आईबीपीएस जो कि बैंकिंग का एग्जाम लेती है, आईबीपीएस, और फिर रेलवे। तो यहाँ पे अलग अलग रिक्रूटमेंट एजेंसी होने के कारण इंस्टीट्यूशन को भी इन सारे एजेंसी को मैनेज करने में, इन सारे एजेंसी के एग्जाम को मैनेज करने में काफी दिक्कत होती है। मल्टीपल टायर्स ऑफ एग्जाम, अब सभी का प्रीलिम्स का अलग अलग, प्रीलिम्स के लिए भी अलग अलग एग्जाम है, उसको अरेंज करने में दिक्कत होती है। कई जगह पे इंस्टीट्यूट अच्छे से नहीं है, तो वहाँ पे इंस्टीट्यूट को मैनेज करने में दिक्कत होता है। सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होता है, प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन, चूंकि इतने सारे एग्जाम लेने पड़ते हैं प्रीलिम्स लेवल पे, उसको फिर मैनेज करने में काफी दिक्कत होता है, जिसके लिए कॉस्ट भी ज्यादा लगता है, एफर्ट ज्यादा लगता है, क्योंकि प्रीलिम्स लेवल पे ही इतना सारा करना पड़ता है, जिसके चलते कि डिले इन फाइनलाइजेशन ऑफ एग्जाम में भी हो जाता है, चूंकि इंस्टीट्यूट भी लिमिटेड है और हर एक जगह नहीं है। इससे कुछ लिमिटेड इंस्टीट्यूट को सारे एग्जाम कंडक्ट कराने में इससे भी डिले इन फाइनलाइजेशन ऑफ रिजल्ट होता है। तो इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए एनआरए इन सब चीज़ों को भी सॉर्ट आउट करेगा। अब गवर्नमेंट के द्वारा जारी डाटा में अगर आप देखेंगे तो हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ ग्रुप बी और सी के लिए लगभग 1.25 लाख वैकेंसी पर ईयर रिलीज करती है, और इस वैकेंसी को फिल करने के लिए सालाना 50 से अधिक एग्जाम लिया जाता है। नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट टेस्ट ईच ईयर 50+, यानी इतने पोस्ट को फिल करने के लिए सिर्फ ग्रुप बी सी की बात कर रहे हैं, इसे 50 से अधिक टेस्ट लेने पड़ते हैं, और इसके लिए एपियर जो होते हैं कैंडिडेट करीब 2.5 करोड़, यानी 2.5 करोड़ से अधिक स्टूडेंट सिर्फ ग्रुप बी सी 1.25 लाख वैकेंसी को फिल करने के लिए अप्लाई करते हैं। और यह सारा एक गवर्नमेंट डाटा के अनुसार है, गवर्नमेंट ये बताती है कि कुछ इतना वैकेंसी रिलीज किया जा रहा है और इतना 50+ एग्जाम लिया जा रहा है पर ईयर, और इतना स्टूडेंट्स अपियर हो रहे हैं। अब यहाँ पे एनआरए का क्या रोल है इसको समझते हैं, एनआरए किस तरीके से इसको मैनेज करेगी। एनआरए जो है कंडक्ट करवाएगी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर यहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन के लिए, यानी एसएससी का जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा इसका, रेलवे का, और फिर इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन इसके लिए। तो इन तीनों के लिए यहाँ पे एनआरए एक कॉमन टेस्ट करवाएगी, और यह प्रीलिम्स के लिए तीनों का एक साथ टेस्ट करवाएगी, एक बार प्रीलिम्स एग्जाम लेगा, और इसके लिए इन तीनों के नेक्स्ट टायर के एग्जाम के लिए आप क्वालिफाई होंगे। दैट मीन्स सीईटी फॉर ऑल टायर वन एग्जाम्स ऑफ दीज थ्री एजेंसी, इन तीनों एजेंसी के लिए प्रीलिम्स के लिए एक एग्जाम होगा, और इस एक एग्जाम का एक लिस्ट बनेगा जिसको लेकर आप इसके नेक्स्ट जो टायर टू थ्री जो भी एग्जाम होंगे नेक्स्ट लेवल पे, सीईटी के स्कोर को लेकर आप इसके नेक्स्ट लेवल के एग्जाम में अपियर हो पाएंगे। और इन ड्यू कोर्स सीईटी जो है और जो एजेंसी है, क्योंकि अभी लगभग 20 से प्लस एजेंसी काम कर रही है रिक्रूटमेंट के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में, तो आगे आने वाले समय में उन सारे एजेंसी को इसमें जोड़ा जाना है, और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी जो सारे एजेंसी काम कर रही है उसको भी इसमें जोड़ा जाना है। और इस सीईटी का जो होगा एक स्टैंडर्ड करिकुलम होगा, दैट मींस अगर 10th लेवल पे है तो 10th लेवल पे एक स्टैंडर्ड करिकुलम होगा, और यहाँ से जब प्रीलिम्स एग्जाम निकालेगा तो इसके लिए 10th लेवल पे आप एसएससी में नेक्स्ट लेवल का एग्जाम दीजिए या रेलवे में, इन दोनों के लिए पहले यहाँ पे आपको एक एग्जाम देना था, उसके बाद नेक्स्ट लेवल एग्जाम के लिए इसका इस स्कोर के साथ आप आगे जाएंगे। और सीईटी के लिए यहाँ पे टेस्ट सेंटर होंगे ऑल डिस्ट्रिक्ट, इसमें एटलीस्ट एक सेंटर इच डिस्ट्रिक्ट होगा, और जहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा हैं तो वहाँ एक से ज्यादा सेंटर बनाया जाएगा। स्टैंडर्ड डिग्री ऑफ डिफिकल्टी क्वेश्चन का लेवल स्टैंडर्ड होगा हर एक लेवल के एग्जाम के लिए। मल्टीपल लैंग्वेज आपको अभी स्टार्टिंग में
12 लैंग्वेज का बात कहा गया है कि 12 लैंग्वेज में क्वेश्चन अवेलेबल होगा, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें एड शेड्यूल में जितने सारे लैंग्वेज हैं उन सभी को ऐड किया जाएगा, सो दैट कि हर एक स्टूडेंट्स हर एक कैंडिडेट अपने कंफर्ट से लैंग्वेज को चुन के अपना एग्जाम दे सके। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में क्या होगा, अब चलिए इसके बारे में जानते हैं। सीईटी इज अ फर्स्ट लेवल टेस्ट टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट्स। इन तीनों अभी स्टार्टिंग में जो अभी तीन एसएससी बैंकिंग और रेलवे है, इसका जो अलग अलग फर्स्ट लेवल का एग्जाम होता है, अब इन तीनों को एक साथ करवाया जाएगा और उसके बाद कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। सीईटी स्कोर इनेबल्स कैंडिडेट टू अप्रोच वेरियस रिक्रूटमेंट एजेंसी फॉर टेकिंग द नेक्स्ट लेवल टेस्ट फॉर फाइनल सिलेक्शन। क्योंकि जब यहाँ से आप फर्स्ट लेवल एग्जाम देंगे तो हर एक एजेंसी में एसएससी हो या रेलवे हो या बैंकिंग हो, इसके नेक्स्ट लेवल के एग्जाम के लिए आपको वहाँ पे अपियर होना होगा, लेकिन प्रीलिम्स एग्जाम के लिए आपको सिर्फ इस स्कोर से, सीईटी का स्कोर से आप इसके नेक्स्ट लेवल के एग्जाम में अपियर होंगे डायरेक्ट, और उसके नेक्स्ट लेवल का एग्जाम अपियर करने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। कैंडिडेट्स कैन टेक टेस्ट मल्टीपल टाइम्स। इसमें आपको कोई रोक नहीं है कि कितने बार आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, आपका जितना मन है उतने बार आप इस एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। और ईयर इच ईयर यहाँ पे दो एग्जाम सीईटी का लिया जाएगा, और एक बार जो आप एग्जाम देंगे और उसका जो स्कोर आएगा, तो इच स्कोर टू बी वैलिड फॉर 3 ईयर्स, प्रत्येक स्कोर कार्ड आपका 3 साल के लिए वैलिड हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो फर्स्ट टाइम आपने एग्जाम दिया उसमें कम नंबर आए हैं, कम मार्क्स आए हैं, तो उसके इसका जो नेक्स्ट एग्जाम आने वाले समय में हो रहा है, जो 6 मंथ में हो या 1 साल बाद हो, तो उसमें आप अपियर हो सकते हैं। और अपियर होने के बाद अगर आपका मार्क्स इम्प्रूव होता है तो वह मार्क्स आपका फिर वैलिड हो जाएगा अगले 3 साल के लिए। अदरवाइज अगर आपका सेकेंड बार जो टेस्ट दिए हैं अगर उसमें कम मार्क्स रह जा रहा है, तो इससे पहले वाला जो मार्क्स है वही आपका वैलिड रहेगा नेक्स्ट लेवल एग्जाम, किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी में अगर आप नेक्स्ट लेवल का एग्जाम देते हैं। और यही बात है यहाँ पे, बेस्ट स्कोर टू बी टेकन, जो आपका सबसे अच्छा स्कोर होगा वही आपके लिए मान्य होगा। और इसमें एज लिमिट जो पहले से है सब चीज वही रहेगा, एज रिलैक्सेशन भी उसी तरीके से रहेगा जिस तरीके से हर एक पोस्ट के लिए होता है। यहाँ पे सिर्फ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में प्रीलिम्स एग्जाम को, इन सारे जो अभी तीन एजेंसी की बात कहें, प्रीलिम्स एग्जाम को हटाकर एक बार एग्जाम लिया जाएगा तीनों का प्रीलिम्स एग्जाम, जिसको कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हम लोग बोलेंगे। सीईटी किस तरीके से कैंडिडेट को अब बेनिफिट पहुंचाएगा, कुछ इस पॉइंट को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कॉमन रजिस्ट्रेशन होगा हर एक एजेंसी के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, यानी अगर आप एनआरए पे एक बार रजिस्ट्रेशन करते हैं तो जितने सारे रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसके आप प्रीलिम्स के लिए क्वालिफाई होंगे, उसके प्रीलिम्स का शॉर्ट लिस्ट जो बनेगा एनआरए द्वारा, सीईटी जो देंगे इसके शॉर्ट लिस्ट के द्वारा ही। और यहाँ पे आपको हर एक एग्जाम के लिए अलग अलग फी नहीं देना पड़ेगा, सिंगल आपको सीईटी के लिए एक बार फी देना होगा, तो आपका एक सिंगल फी लगेगा हर एक एग्जाम के प्रीलिम्स के लिए। कॉमन करिकुलम होगा, इसका मतलब अगर 10th लेवल पे जो एग्जाम है सभी के लिए 10th लेवल पे एक लेवल का करिकुलम होगा, 12th लेवल पे एक करिकुलम होगा, और ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम के लिए एक करिकुलम होगा। अभी आप क्या देखते होंगे, किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी में 10th लेवल का सिलेबस कुछ है, 12th लेवल का सिलेबस कुछ है, और ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस कुछ है, लेकिन इन सबको हटा के एक कॉमन करिकुलम बनाया जाएगा। क्वेश्चन बैंक स्टैंडर्ड लेवल के होंगे, क्विकर जनरेशन ऑफ स्कोर होगा, रिड्यूस टाइम फॉर रिक्रूटमेंट साइकिल, तो रिक्रूटमेंट का जो टाइम अभी बहुत ज़्यादा लगता है इसको कम किया जाएगा, सिक्योर एग्जामिनेशन प्रोसेस, एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस होगा सिक्योर होगा, क्योंकि हर एक जो सेंटर होगा वहाँ पे एक सेंट्रल सर्वर होगा जो कि काफ़ी सिक्योर होगा और उसके द्वारा क्वेश्चन उस सेंटर में आएगा। इम्प्रूव फैसिलिटी में आप इसको इस तरीके से देखिए, जब हर एक डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट एक सेंटर बनाया जा रहा है तो उस डिस्ट्रिक्ट के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जो कैंडिडेट्स है वह अपना डिस्ट्रिक्ट में जाएगा और एग्जाम देके वापस आ जाएगा। अभी क्या होता है कि कोई अगर
अपने डिस्ट्रिक्ट में है तो उसको पता चलता है कि यहाँ से 400 किलोमीटर 350 किलोमीटर आगे किसी अलग जगह उसका सेंटर है, जो कि वहाँ पे जाकर रहना, ट्रांसपोर्टिंग में, फिर वहाँ पे रहने में, लॉजिंग में कितने सारे प्रॉब्लम आते हैं, कितना सारा खर्चा होता है। तो इन सब चीज़ों से आप बचेंगे तो जो इसका फैसिलिटी हो गया काफ़ी इम्प्रूव होगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी या किस तरीके का एजेंसी है या कैसे फॉर्म होगा, कैसे काम करेगा, इसके बारे में देख लीजिए। NRA to be a society रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1816। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कानून 1860 के अंतर्गत इसको रजिस्टर्ड किया जाएगा और यह इसमें जो लागत है यह 1517.57 करोड़ का लागत से इसको सेटअप किया जाएगा। 24/7 आवर हेल्पलाइन होगा इसका। डेवलपिंग टेस्टिंग सेंटर इन 117 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट। कई सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है और वहाँ का कनेक्टिविटी उस डिस्ट्रिक्ट का ठीक नहीं है, तो उस डिस्ट्रिक्ट में एडिशनल वहाँ पे खर्चा करके उस डिस्ट्रिक्ट में कनेक्टिविटी और सब चीज़ों को अच्छे से बेहतर किया जाएगा फॉर डेवलपिंग टेस्टिंग सेंटर। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो बहुत अच्छा हो रहा है उन सभी युवाओं के लिए जो, और अगर समराइज करके सारे पॉइंटों को देखें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में जो है गवर्नमेंट जॉब लेना और इसका एग्जाम देना, इन सब चीजों में बहुत फैसिलिटी इम्प्रूव होने वाला है और इससे कैंडिडेट्स इंस्टीट्यूशन के साथ साथ गवर्नमेंट को भी काफी इजी होगा इन सब चीजों को आगे बढ़ाने में। तो आई होप यहाँ से आपने NRA और CET के बारे में समझ लिया। CET क्या है? NRA के द्वारा कंडक्ट कराया जाने वाला एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो कि अलग अलग रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है उसमें इसके शॉर्ट लिस्ट के अनुसार आगे के उसके नेक्स्ट लेवल एग्जाम में आप अपीयर होंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स का, आपको जो जानना था NRA और CET के बारे में, सारे पॉइंट्स आपको मैंने डिस्कस कर दिया है। अगर आपको लगता है कुछ जो छूट गया है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको कमेंट में उसके बारे में आपको जवाब दूंगा। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए लाइक कर, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन सब चीज़ों के बारे में जान पाए क्या है NRA क्या है CET। तो थैंक यू यहाँ तक बनने के लिए। इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल रुपेश मैथ्स को सब्सक्राइब कर साइट के बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, सो दैट हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।